बहुत छोटा सा मनुष्य का देह है, बहुत छोटा सा मानव का शरीर है, और उस मानव के शरीर में से भी आधे से आधा समय तो हम किसी ना किसी की निंदा में निकाल देते हैं। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो हम कहीं उसको व्यर्थ में गंवा देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने आधा व्यर्थ में गंवा दिया, निंदा में गंवा दिया, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा मोह इनमें गंवा दिया, शिव पुराण कह रही है जितना बचा है उसमें से थोड़ा भी अगर हम भगवत स्मरण में लगा दें तो ये निश्चित है कि फिर किसी के पिंड की या किसी के तर्पण की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये निश्चित है कि जीव का कल्याण सुता होगा। तर्पण, तर्पण शिव महापुराण की कथा से एक चीज सीखना है हमको, कितना भी अच्छा तैरने वाला हो और उसको तैरना आता ही है, बहुत अच्छा तैरना आता है उसको, और उसके बराबर दुनिया में कोई तैर भी नहीं सकता, और उसको ले जाके महासागर में छोड़ दो, जब उसको ले जाकर हम महासागर में छोड़ते हैं, महासागर में ले जाकर जब छोड़ दिया जाता है तब उसको निकलने का कोई स्थान नहीं होता। अब उससे कहा जाए कि इस महासागर से बाहर निकलना है, चारों तरफ उसके जल ही जल है और वो महासागर में फंसा हुआ है, उसको निकलना, कितना बड़ा भी तैराक क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो गोताखोर क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो तैरने वाला क्यों ना हो, पर महासागर में अगर किसी को पटक दिया जाए तो वो थोड़ी देर तो हाथ पैर पटकेगा, थोड़ी देर तो वो तैरेगा, थोड़ी देर तो वो निकलने का प्रयास करेगा, पर उसके बाद वो निकल नहीं पाएगा। उसको निकालने के लिए कोई हेलीकॉप्टर भेजना पड़ेगा, कोई रस्सी फेंकना पड़ेगी, कोई आंकड़ा फेंकना पड़ेगा, जिससे वो उसको पकड़कर महासागर से बाहर उतर सकता है। जैसे महासागर में फंसा हुआ व्यक्ति कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो, अच्छा गोताखोर क्यों ना हो, पर वो महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी तरह संसार सागर में आने के बाद तुम कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, कितने बड़े भी धनी क्यों ना हो, कितने बड़े भी पैसे वाले क्यों ना हो, और कितने बड़े भी विद्वान से विद्वान क्यों ना हो, जब तक परमात्मा का हेलीकॉप्टर नहीं आता, ज्ञान रूपी परमात्मा का जब हेलीकॉप्टर आता है और भक्ति की डोरी बांध कर ले जाता है, तब जाकर हम निकल पाते हैं। हमारा निकलना सहज नहीं हो पाता। हमारा निकलना सरल नहीं है इस भव सागर से, संसार सागर से। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो झड़ी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भगन, शंभो मैं तेरी भगन। भगवान शिव की कथा कर रहे, आप संसार में कितना भी अच्छा, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना भी धन प्राप्त कर लो, कितना भी वैभव प्राप्त कर लो, कितनी भी सत्ता प्राप्त कर लो, कितना भी आनंद आप प्राप्त कर लो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक आप शंकर के चरणारविंद की भक्ति प्राप्त नहीं करते तब तक इस भव सागर से तर नहीं सकते, ये निश्चित है। इसे करने का तरीका ही शिव कथा, सारी समस्या का हल जरा जमके तो बोलो एक लोटा जल। केवल एक, अधिक भी नहीं चाहिए। सबसे सरल देव है देवाधिदेव महादेव,
बहुत सरल। घर में से निकलने का एक रास्ता होता है, उसका कारण यह होता है कि आसपास के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे कोई चोर, कोई गलत व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर दे। आप फ्लैट में रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं, चाहे आप कॉलोनी में रहो, कॉलोनी से निकलने का भी एक रास्ता रखा जाएगा, बाकी के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। घर में भी बहुत रास्ते बनते हैं, पर सारे रास्ते बंद कर कर एक रास्ता चालू रहता है कि इस रास्ते पर जाओगे तो बाहर निकल जाओगे। एक रास्ता। उसी तरह घर से निकलने का एक रास्ता है, कॉलोनी से निकलने का एक रास्ता है, बंगले से निकलने का एक रास्ता है, मकान में से निकलने का एक रास्ता है। उसी तरह ये संसार सागर से निकलने का शिव महापुराण एक रास्ता है जो हमको बाहर निकाल देता है कि चलो अब इससे बाहर निकलना है, अपने को बाहर जाना है। तर्पण शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, अपने कर्म से वंचित रहा। कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाया। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। ब्राह्मण होकर यदि वो निंदा में लगा हुआ है, ब्राह्मण होकर यदि वो बेकार कर्म में लगा हुआ है, ब्राह्मण होकर यदि वो अपने कृत्य से, अपने कर्म से वंचित रह गया, तो इस जन्म में भले वो ब्राह्मण बनकर पैदा हो गया पर अगले जन्म में वो ब्राह्मण बन नहीं सकता, फिर उसकी गति बिगड़ जाती है। फिर वो ना जाने कितनी 84 लाख योनियों में, गरुण पुराण उठाकर देखेंगे तो गरुण पुराण में लिखा हुआ है, आप जरा स्मरण करेंगे कि ब्राह्मण का कर्म क्या है, और वो उस कर्म से अगर वंचित हो जाता है तो उसकी गति कितनी बुरी होती है। ब्राह्मण कर्म में, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण की योनि को पा लेना, ब्राह्मण कर्म कर लेना, ब्राह्मण कर्म करते करते अगर हम किसी की निंदा में, किसी के लिए अपशब्द, किसी के लिए गाली, आड़ा टेढ़ा संबोधन, या किसी के मन को ठेस पहुंचे अगर ऐसा शब्द हम बोल रहे हैं तो उसके लिए श्रेष्ठता नहीं है। जब किसी के प्राण छूटते हैं ना, जितने लोग आस्था पे सुन रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने अशोकनगर की इस न्यू मंडी प्रागण्य में बैठ कर कथा को सुन रहे हैं, वो भी ध्यान रखना। जब किसी के प्राण छूटते हैं तो लोटे के ऊपर 13वें के दिन, 12वें के दिन एक गीता जी, एक गौमुखी माला, बोलो रे अशोकनगर की जीजी, सही है कि गलत है, एक गौमुखी माला, लोटा, गीता जी, जनेऊ, उसके अंदर लोटे के अंदर थोड़ा सा गंगा का जल, एक कुसा सा आसन, गीता, चंदन की मुठिया, ये किसी के मरने के बाद दी जाती है। किसको देते हैं? जो 12 ब्राह्मण, जो 13 ब्राह्मण जो हमारे घर में भोजन करने के लिए आए हैं, किसी के जाने के बाद, किसी के प्राण छूटने के बाद, जो ब्राह्मण को हम भोजन करा रहे हैं उनको हमने गीता जी दी, उनको हमने गौमुखी माला दी, उनको हमने चंदन की मुठिया दी, उनको हमने एक लोटा दिया, हमने उनको एक आसन दिया, हमने उनको यज्ञोपवीत दिया,
अब 13 ब्राह्मण को 12 ब्राह्मण को किसी के जाने के बाद ये सामग्री जब दी जाती है तो किसी ब्राह्मण से पूछना कि ये सामान प्रत्येक मरने वाले के बाद ये 12 ब्राह्मण को या 13 ब्राह्मण को ये क्यों दिया जाता है, जिसको पद कहते हैं, ये क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है, किस लिए देते हैं। अगर आप ब्राह्मण देवता से पूछेंगे तो वो कहेगा कि जिसके घर का मृत्यु के बाद का हमने अन्न भाग ग्रहण करा है 12वें का या 13वें का हमने भोजन ग्रहण करा है, उस भोजन को ग्रहण करने के बाद ये माला ये गीता हमको इसलिए दी गई है कि जिसका हमने भोजन ग्रहण करा है कम से कम उसकी 51,000 गायत्री का जाप करेंगे तब जाकर हमने जो भोजन ग्रहण करा है वो भोजन हमारे शरीर में पच पाएगा और उस जीव को तर पाएगा, उस जीव को मोक्ष तब मिलेगा जब इस आसन पर बैठकर इस माला को जपकर हम भगवत स्मरण करें, हम गीता का स्मरण करें या हम गायत्री करें। पर जितने ब्राह्मण 12वें का भोजन करने के बाद जाते हैं 13वें का भोजन करने के बाद जाते हैं उनसे निवेदन करूंगा कि कितनी देर बैठकर हम माला जप पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम गायत्री का स्मरण कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम गीता का स्मरण कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम भगवत चर्चा कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम भगवत नाम ले पाते हैं, कितनी देर। अरे गरुण पुराण में वर्णन मिलता है, तर्पण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जरा सा कानों में सरसों का तेल डालकर बैठना, जरा अच्छे से सुनना, थोड़ा बुरा भी लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, पर ध्यान से सुनना। गरुण पुराण में और जितनी चीज बोल रहे हैं, कौन सी पुराण से बोल रहे हैं वो भी आप स्मरण में रखना कि आपको कौन से पुराण से बोला जा रहा है। गरुण पुराण में लिखा है कि श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण भोजन भी करता है और भोजन कर यदि यजमान के घर से आता है तो उसको घर पर बैठकर कम से कम 21,000 या 11,000 गायत्री का जाप करना चाहिए, जिससे उसने जिसके यहाँ भोजन करा उसके पूर्वजों को मुक्ति मिले और अपने जीवन का भी कल्याण हो सके। श्राद्ध भोजन के बाद भी गायत्री का स्मरण, हम कितनी गायत्री कर रहे हैं, हम कितना भजन कर रहे हैं, हम कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, हम कितना स्मरण कर रहे हैं, कहीं हमारा आधे से ज्यादा समय तो निंदा में तो नहीं निकल गया, हमारा कुछ समय कहीं दूसरे की गलती को छांटने में तो नहीं निकल गया। गौतम बुद्ध से एक भक्त ने पूछा संसार कैसा है, गौतम बुद्ध से एक भक्त ने पूछा संसार कैसा है, तो गौतम बुद्ध ने एक सफेद कागज बुलवाया, एक शीट बिल्कुल व्हाइट कलर की एकदम सफेद शीट को बुलवाया और गौतम बुद्ध ने एक डंडी को तोड़कर उस डंडी में से काजल की एक बिंदी छोटी बिल्कुल छोटी उस सफेद शीट पर उस सफेद कागज पर लगा, कागज पे लगा दिया जो सफेद शीट थी, जो सफेद कागज था, एक छोटी सी काजल की बिंदी ली और गौतम बुद्ध बाबा ने उस कागज पर उस शीट पर वो काली एक छोटी सी बिंदी लगा दी और बिंदी लगाने के बाद किसी को नहीं बताया कि मैंने इसमें कोई बिंदी लगाई है। गौतम बुद्ध बाबा से पूछा गया संसार कैसा है, तो गौतम बुद्ध बाबा ने किसी को नहीं बताया कि इसमें कोई काजल सी बिंदी लगी है, बस गौतम बुद्ध बाबा ने वो कागज सामने टांग दिया, सामने लगा दिया और जितने भी लोगों ने प्रश्न किया था, जितने बैठे थे 50 हो 100 हो 25 हो, सबसे कहा कि आप मुझे बताओ किस कागज में आपको क्या दिख रहा है, सबने एक स्वर में बोला इस कागज में एक काली बिंदी नजर आ रही है।
इस कागज में हमको एक काली बिंदी नजर आ रही है। गौतम बुद्ध बाबा ने कहा बस ये संसार है। इतना बड़ा कोरा कागज था, उस कोरे कागज को सपने देखा पर सबने एक ही बात कही, एक काली बिंदी नजर आ रही है पर किसी को वो सफेद कागज या कोरा कागज नजर नहीं आता। आप परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, मोहल्ले में, समाज में, अपने व्यवहार के अनुसार आप कितना भी कर लो, आप किसी के लिए जान निकाल कर रख दो, कितना कुछ कर कर रख दीजिए, पर इतना करते करते आपने बहुत कर दिया। किसी को गाड़ी, किसी को बंगला, किसी को सामान, किसी को जायदाद, किसी को प्रॉपर्टी, किसी को ये, किसी को वो, दुनिया का काम अपने दुनिया वालों का करा, पर एक काम यदि किसी व्यक्ति का नहीं करा, अर्थात जिसका काम आप 50 बार करते आ रहे हो, जिसका काम आप 100 बार करते आ रहे हो, जिसका काम आप 10 बार करते आ रहे हो, 10 बार आपने उसका काम कर दिया और एक बार यदि उसका काम नहीं करा तो वो 10 बार करा हुआ काम भूल जाए और वो एक बार का काम याद रखेगा कि इसने मेरा ये वाला काम नहीं करा। ये संसार सागर, ये संसार सागर का वर्णन गौतम बुद्ध कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा ये संसार सागर है कि कोरा कागज किसी को नहीं दिख रहा पर एक छोटी सी काजल की जो टिपकी है, एक काजल की बिंदी है, वो बिंदी सबको नजर आ रही है पर कोरा कागज किसी को नहीं दिख रहा, कोरा कागज किसी को नजर नहीं। वो कोरा कागज की अंदर जो बिंदी है वो देखना, सबको दिखा पर कोरा कागज, गौतम बुद्ध कहते हैं इतना बड़ा कागज था, किसी को तो कह देना था कि इतना बड़ा कागज कोरा है पर वो कोरा नहीं दिखा, सबको वो बिंदी नजर आई। उसी तरह ये संसार है, आप कितना भी अच्छा कर दो। एक बुजुर्ग माँ, एक माता अपने बेटे को, 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, बुजुर्ग माता उन 5 बेटों को, 4 बेटों को बराबर का दूध पिलाती है। बोलो रिया सुखनगर की जीजियों, इतनी बूढ़ी बुजुर्ग बुजुर्ग माता बैठी हैं, अपने बेटे को बराबर का दूध पिलाती, ये नहीं कि मैं छोटे बेटे को ज्यादा दूध पिलाऊंगी तो मंजिले को कम पिलाऊंगी तो संजले को ज्यादा पिलाऊंगी कि बड़े को ज्यादा पिलाऊंगी। एक माँ अपने बच्चे को बराबर दूध पिलाती है, एक माँ अपने बच्चे की बराबर परवरिश करती है, एक पिता अपने बच्चे को बराबर का वैभव देता है, एक माता पिता अपने बच्चों को बराबर का परवरिश करते हैं, बराबर का ज्ञान देते हैं, बराबर का स्कूल में पढ़ाते हैं, एक माँ अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है। उसके बाद बराबर का दूध पिलाने के बाद भी एक समय ऐसा आता है कि उस समय पर बच्चे के दिमाग में यह बैठ जाता है कि मेरी मम्मी मुझको ज्यादा स्नेह नहीं करती, मेरे पापा मुझे ज्यादा प्रेम नहीं करते, मेरे घर के लोग मुझे ज्यादा चाहते नहीं है। कारण क्या है? और बच्चों में भेद नहीं होता, भाई भाई में कभी भेद नहीं होता सर, भाइयों में तो इतना प्रेम होता है कि एक के लिए एक अपनी जान निकाल के रख दे। दिक्कत भाइयों में नहीं होती, दिक्कत तो जो ये जगदम्बा होना आती है ना, त्रिवेणी संगम, ये जब एकाग्रित होती है ना तब दिक्कत चालू होती है। ये स्लो पॉइजन देती है, देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारे पापा को, सब उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा, उन्हें जिंदगी में कुछ नहीं करा, जिंदगी में कुछ नहीं करा, बस ये स्लो पॉइजन थोड़ा 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 जो देना चालू करा चंद्र घंटा ने और ये भेरू पे सिंदूर चढ़ गया। अब इसके दिमाग में बैठ गया कि मेरा भाई बुरा, मेरी भाभी बुरी, मेरा कुटुंब बुरा, मेरा परिवार बुरा, मेरा ये बुरा, मेरा वो बुरा, पर कोई कोई घर की एक माँ, घर की एक बहू ऐसी होती है वो कभी अपने पति से ये नहीं कहती कि कोई बुरा है, वो एक बात कहती है जब दुख की घड़ी परिवार में आए तो अपन दोनों चलते हैं, चलो खड़े हो जाते हैं। वो घर की बहू लक्ष्मी के तुल्य हो, आप चिंता मत करो, चलो मैं चलती हूँ, आपको आने में देरी है क्या, आप नहीं आ रहे हो क्या,
आप कहीं काम में फंसे हो और परिवार में दिक्कत आ गई तो धर्म पत्नी एक ऐसी होना चाहिए तुरंत कूद कर सामने खड़ी हो जाए, मैं हूं। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है महाराज, एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने के लिए निकले थे, और भ्रमण पर निकले भगवान शंकर पार्वती को लेकर, और भगवान शंकर को बहुत तेज भूख लगने लगी, बहुत तेज। मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा शंकर। भ्रमण के लिए निकले हैं पार्वती जी के साथ, और शिव जी को बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती इतना भूख लग रही है, इतना भूख लग रहा है कि मुझे भोजन करना है, जल्दी कुछ व्यवस्था कर। पार्वती जी ने कहा, प्रभु चलो कैलाश चलते हैं और हम भोजन बना देते। पार्वती जी, तेरे हाथ का भोजन करते करते तो बहुत समय हो गया, आज मेरा मन है कि पृथ्वी पर भ्रमण पे निकला हूं तो किसी के यहाँ यदि श्राद्ध हो रही हो तो मैं भोजन कर लेता हूं। 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं और मैं भोजन कर लेता हूं। पार्वती जी ने कहा कि तुम ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, श्राद्ध का भोजन करोगे? श्राद्ध का भोजन? पार्वती जी ने जैसे ही कहा तो शंकर भगवान बोले कि पार्वती तुझे मालूम नहीं है शायद, जब किसी के भी घर में श्राद्ध होती है और वो चाहे घी और शक्कर का भी थोड़ा सा भाग कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, थोड़ा सा भी भाग अग्नि में छोड़ते हैं तो शिवजी कहते हैं सबसे पहला अंश पितरों के पास बाद में जाता है, पहला अंश मेरे पास आता है, फिर मैं उस अंश को पितरों के पास भेज देता हूं। पहले भी कथा में कहा, एक रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च चल रहा है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो केवल एक काम करना है कि हमें शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करना। परंतु श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जैसे अन्य समय में 108 मनके की माला से हम जाप करते हैं, 108 बार भगवान का नाम लेते हैं, 108 बार हम भगवान का पूजन करते हैं, उसी तरह श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाएं तो उसी जल को धीरे 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 27 बार भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। कितनी बार? 27। या फिर 27 मनके की माला से जप करें। उसका फल क्या होगा? भगवान शिव अपने रूप रखकर इन पितरों को वो भाग देना चालू कर देते हैं। भूल से भी 16 श्राद्ध के 16 दिन में से एक दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है, और उसको ही धीरे 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 कर 27 बार छोड़ दिया जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में पूरे 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर देते हैं। शिवजी कह रहे हैं मुझे भूख लगी और मेरा मन है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर श्राद्ध हो रहा होगा तो मैं भोजन कर लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा तुम कहां भोजन करने जाओगे? शंकर भगवान बोले अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्या में जाऊं और अयोध्या में जाकर आज मैं भोजन ग्रहण करूंगा। क्यों? आज दशरथ जी के यहां पे श्राद्ध है, मैं जाता हूं। शंकर भगवान जाने की तैयारी करे, ब्राह्मण लोग जा रहे थे भोजन करने के लिए, मेरा ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर स्वयं एक ब्राह्मण का रूप रखकर भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। अब जब अंदर प्रवेश करे
जैसे ही अंदर प्रवेश करे, सब जितने ब्राह्मण थे सब भोजन करने के लिए बैठे, सबके लिए चांदी की थाली, स्वर्ण का कटोरा, सुंदर सुंदर पकवान आकर रखा है। मेरे भोले बाबा भी बैठ गए, मेरे भोले बाबा। अब देखिए शिवपुराण कहती है, यदि श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जो भोजन बनाया जाता है, वो भोजन घर की बहू अगर बनाती है, घर की माँ अगर बनाती है, घर की नारी अगर भोजन बनाती है, तो आधा भाग जो ब्राह्मण ने भोजन किया है, वो आधा भाग का भोजन तो जिस ससुराल पक्ष में बेटी भोजन बना रही है उसके ससुराल के भाग को प्राप्त होता है, और आधा भोजन का फल बेटी के मायके वाले को प्राप्त हो जाता है कि उसने भोजन करा। भोजन चालू हुआ, खीर मालपुआ सब परोसा गया, सबने खाना चालू करा। थोड़ी थोड़ी देर में ब्राह्मण भोजन कर उठना चालू कर दिए, पर मेरे देव अधिदेव महादेव जो जम के बैठे उठे नहीं। किसी किसी की आदत रहती है एक पंगत में काम नहीं चलता, दो तीन पंगत जरा जमदारी से लगाना पड़ती है। और अभी अभी तो यह बफेट चल गया, पहले के समय में तो पत्ते की पत्तल आती थी और उस पत्तल के पत्ते का ही दोना बनता था। बोलो दीजिए जी, सही है गलत है? पत्ते का ही दोना, और वो दोने को भी टिकाने के लिए जब पंगत में जाते थे तो जेब में दो चार पत्थर रख के लेके जाते थे कि रायते का दोना नहीं लुढ़कता। तो उस दोने को भी संभालने के लिए दो तीन पत्थर जेब में होते थे जब रोटी खाने कहीं जाते थे, पंगत जिन ने कहीं जाते थे शादी ब्याह में या कहीं नुक्ता मुक्ता में, तो जेब में पत्थर लेके जाते थे कि दोना रखेंगे। और साथ में अभी अभी तो ये सब कुछ ले जाना नहीं पड़ता, पहले तो प्लास्टिक का इतना बड़ा गिलास भी जेब में भर के लेके जाना पड़ता था कि पानी भी पीना पड़ेगा। और दोने को रखते आसपास में पत्थर टिका देते और फिर सबसे जोरदार ज्ञान तो भोजन के समय पे प्राप्त होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भोजन के समय पे कैसे प्राप्त होता है? दो दोस्त और दोनों में मित्रता खूब, और दोनों चतुर, और दोनों साथी ने गए एक ही जगह। अब इन्हें चतुरता क्या करें कि पहले तू बैठ जा, मैं परस देता हूं, फिर मैं बैठ जाऊं, जब तू परस देना। और इतने चतुर दोस्त कि खास खास आइटम ही लेके आते हैं। सब्जी लाया, तरी तरी डाल जा, और उसने सब तरी तरी जोरदार उसके दोने में डाल दी। और फिर गुलाब जामुन लाया तो इशारे में, उन्हें जो इशारा करा दो का, उन्हें दो धर दी। अब देखो जैसे उसने खिलाया है ना दोस्त ने, जैसे दो गुलाब जामुन रखी, तरी रखी ने, जोरदार गरम गरम पूड़ी रखी ने, खोपरा पाक रखा ने, बालू शाही रखी, खूब जोरदार रखा। और ये अब खाने के बाद उड़ गया, उठने के बाद अब उसकी बारी आई, और उसकी बारी आई तो वो बैठा, और वो बैठा, और इतने में ये सही से नहीं परोसे तो फिर अगली बार कोई परो, फिर इसकी बारी आएगी, अच्छे से परोसे। शिवपुराण कर रही है, देवाधिदेव महादेव बैठे, भोजन चालू है, भंडारा चालू है, श्राद्ध चालू है, और भोजन करने के लिए जब देवाधिदेव महादेव बैठ गए और भोजन चालू हो गया, और भोजन चालू होने के बाद माता केकई, सुमित्रा, कौशल्या सब भोजन में, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुखकीर्ति सब भोजन में लगी हुई है, और सब भोजन बना बना के दे रही है, माताएं परोस रही है, बड़े प्रेम से भोजन चल रहा है। भोजन चलते 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 सब उठ गए, पर महादेव नहीं उठे, नहीं उठे। इतनी देर में उर्मिला जी दौड़ कर आकर बोली सीता जी के पास, जी जी, ओ जी जी,
जीजी बोली, क्या बात है? सीता जी ने कहा, उर्मिला क्या हो गया? उर्मिला जी बोली, सब पंडित उठ गए पर एक पंडित बैठा है वो नहीं उठ रहा है। सीता जी बोली, तू एक बार एक काम कर, पानी भर के ले जा और पूछो महाराज पानी पियोगे। तो फिर इतने में उर्मिला जी पानी लेके, प्रभु पंडित जी पानी? पंडित जी बोले, हमारे यहाँ पानी एंड में पीते हैं। तो उर्मिला जी ने पूछा, पंडित जी एंड कब होगा? तो पंडित जी बोले, अभी तो शुरुआत है, महत्तम चालू हुआ, टेलर चालू हुआ, ठीक है। अब उर्मिला जी दौड़कर फिर सीता जी के पास गए। जी 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 बोली, क्या बात है? क्या वो तो अभी तुम एंड में पानी लेंगे? तो सीता जी बोली, ले जा और ले जा, पूरी ले जा, कचौड़ी ले जा, भजिया ले जा, मालपुआ ले जा, खीर ले जा, सब ले जा, ले जा के रख दिया। भगोने खाली होते गए, बर्तन खाली होते गए। सीता जी ने फिर सुतकृति को बुलाया, सुतकृति इधर आओ। सुतकृति ने बोला, हाँ जी जी, जाओ जरा पंडित जी से पूछ कर आओ भोजन कैसा बना। पंडित जी के पास सुतकृति जी गई, प्रभु भोजन कैसा बना? पंडित जी बोले, भोजन तो क्या जोरदार बना है, पूछो ही मत। पानी लिया हूं, शंकर जी बोले एंड में ले। जैसी सुकृति जी अंदर गई, सीता जी ने पूछा, उठ गया? सुकृति जी बोली, वो तो अपन सबको उठा के उठेगा, वो कोई ऐसे उठने वाला अभी तो बैठा है। के कई मैया आ गई, के कई जी ने पूछा, सीता तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद जमी हुई है, श्राद्ध चल रहा है ससुर का और तुम, तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मां, एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा है। केकई बोली, वो तो सब ब्राह्मणों के साथ बैठा था। हाँ मां, पांच बार की पंगत उड़ गई पर अभी तक वो नहीं उठा। मां तो अब तो सवेरे का भोजन चल रहा है 10 बजे का, दोपहर की 2-3 बज गई, अब तो उठने वाला होगा, जाओ थोड़ा और दिया। तो सीता जी बोली, दे तो आती माँ पर भंडारे में भोजन की कमती हो गई, भोजन की कमती, एक काम करो डबल से बनाओ। सीता जी बोली, 6 बार बना चुके, अब अंदर का पूरा माल निकाल के रख दिया। केकई तुरंत आवाज लगाकर बोली, द्वार वालों से कहो बाजार में से सामान लेकर आए। और सीता फिर भोजन बनाओ, सास ने आवाज लगाई कि बाजार से भोजन लेकर आओ और जिमाओ। इतने में सारे द्वारपाल भागे और बाजार से भोजन ले लेकर आने लगे। जब आटे की बोरियां बाजार से आने लगी और शंकर जी के सामने अंदर जाने लगी, इतने में शंकर भगवान ने रोक कर पूछा, रुको रुको, क्या ले जा रहे हो अंदर? तो के अभी आटा ले जा रहे हैं, उसने का फिर पूरी बन के तुम्हारे पास आएगी। इतने में पंडित जी बोले, शंकर भगवान जो पंडित के वेश में थे, वो बोले, अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो यही धर दो, इतना अंदर जाएगा फिर वापिस आएगा, फिर मैं खाऊंगा, उससे अच्छा यही पे रख दो तुम तो, मैं आराम से खा लूंगा। आटे की बोरी रख दी, बेसन की बोरी रख दी, मैदे की बोरी, रवे की बोरी, घी तेल शक्कर सब लाला के रख दिया और भोलेनाथ जी खाना चालू कर दिया। खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, उठे नहीं। इतने में सीता जी की आंख में जल भर गई। कौशल्या जी ने पूछा, जानकी तुम रो रही हो? आज ससुर जी की यहाँ का श्राद्ध है और घर की बहू रोए, ये अच्छी बात नहीं है, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको? इतने में सीता जी बोली, मां एक पंडित भोजन करने बैठा है तो उठ नहीं रहा, पानी का पूछो। सीता जी बोली, अब की बार मैं ही जाती। सीता जी हाथ में जल लेकर पहुंची ब्राह्मण देवता, अगर आपका आधा हो गया हो तो पानी थोड़ा सा पी लीजिए। इतने में ब्राह्मण देवता बोले, आधा तो होने दो, जब आधा होगा मैं पी लूंगा। सीता जी ने मन में सोचा, अभी तो आधा ही नहीं हुआ और अपन तो एंड की तैयारी में बैठे। सीता जी रोती रोती आंख में जल भरकर भगवान राम जी के पास पहुंची। राम जी महाराज तो बड़े मस्ती में बैठे हुए थे, तुरंत सीता जी को कहा, जानकी भोजन ब्राह्मण जी के चले गए? सीता जी बोली, सब चले गए, एक ही बैठा है, उठ नहीं रहा, तो उसको अच्छे से जिमाओ। सीता जी बोली, सारा सामान जिमा दिया, भंडार का सामान जिमा दिया, सूखा जितना रखा था वो जिमा दिया, दुकानों पे से लाकर अंदर तो आया ही नहीं, बाहर निपटा गया।
तो राम जी बोले, फिर सीता जी बोली, अब आप बताओ क्या करें। राम जी बोले, पहले मुझे देखने दो कि भोजन करने बैठा कौन है। मेरे राम जी जो जाकर झरोके में से झांके, झांकते से पहचान गए कि आज मेरे महादेव अकेले नहीं 33 कोटि देवी देवताओं को अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। आज मेरे महादेव 33 कोटि देवताओं को अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। तब सीता जी को आवाज लगा कर कहा, अब तू मत जा, जो ज्यादा एक्शन मारे ना तो कुछ मत करो, जो पार्टी में ज्यादा इतराए उसकी पत्नी को लाके खड़ा कर दो, फिर देखो बापड़े को। तुरंत चुप, साइलेंट, फिर हंसेगा भी नहीं, और हंसेगा भी तो उतना ही उसको देख कर, इससे ज्यादा हंसेगा भी नहीं। अंग्रेजी में पति को हस्बैंड कहते हैं, हस्बैंड, बैंड गलत हो गया, पहले था हस्बैंड, हसने पे बैंड है, पर वो बैंड लगा दिया गया। अब शिवजी को देखकर राम जी ने कहा, तू टेंशन मत ले सीता, रुक जा, अब तू रुक जरा, मैं अभी आमंत्रित करता हूं। और भगवान राम ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती का आह्वान किया, हे मां पधारो, स्वामी भोजन कर रहे हैं, और माता के बिना भोजन हो जाए ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने कहा, मेरे स्वामी? हाँ, मेरे स्वामी। तीन ऐसे हैं जिनका नाम बार बार नहीं लिया जाता। पहला, एक सौभाग्यवती नारी, अर्धांगनी पत्नी, अपने पति का नाम बार बार अगर लेती है तो तिल भर उसकी उम्र घटती है और उसके शरीर में रोग प्रारंभ होता है, गर्ग संहिता में वर्णन है। दूसरा, घर की मां ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो ज्येष्ठ पुत्र को जीवन में दुख बहुत झेलना पड़ता है। ज्येष्ठ पुत्र घर का बड़ा पुत्र, हाँ अगर घर में बड़ी बेटी है और उसके बाद पुत्र है तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा। बड़ी बेटी है तो बेटी का नाम मां बार बार ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, आप अपने घर के बड़े व्यक्ति को देखना, उसके घर की माँ अगर बड़े बेटे का नाम बार बार लेकर पुकारेगी, कृष्ण राम कुछ भी जो उसका नाम है, हरि किसान जय नारायण जो नाम है उसका, उसको माँ बार बार लेकर पुकारेगी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जब माँ बार बार लेकर पुकारती है तो ज्येष्ठ पुत्र को तीन तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है, एक तन दुखी, दूसरा मन दुखी, तीसरा धन दुखी। या तो वो तन से कष्ट में होगा, या मन से कष्ट में होगा, या धन से कष्ट में होगा, उसका जीवन थोड़ा ना थोड़ा संघर्ष में निकलेगा। क्यों? क्योंकि माता का फर्ज है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार मुख से ना लिया जाए। अगर ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को मां को बुलाना है तो उसके नाम से ना बुलाते हुए कोई उपनाम, कोई साधारण सा नाम मां को अपने बेटे का रख देना चाहिए। इसलिए हमारे यहां पर जो बड़ा बेटा होता था ना तो उसको माए बड़े प्रेम से हर कुछ बोल देती थी, ये तो कल्लू है, ये तो लल्लू है, ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, कुछ भी उसका नाम मां कुछ भी अपने मन से रख देती थी। क्योरे कनवा, क्योरे काना, मां उसका नाम रख देती थी। क्योरे रघु, क्योरे रघुवीर, मां उसका नाम कुछ भी रख देती थी। पहला, सौभाग्यवती नारी अपने पति का नाम लेती है तिल भर उम्र घटती। दूसरा, मां अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार ना ले, उसका नाम परिवर्तित कर दे, ये मेरा लाला है, नाम कुछ भी हो, ये लाला है, ये काना है, उसका नाम चेंज कर दे, बदल दे बोलते समय बार बार। अगर ज्येष्ठ पुत्र का आप भी देखना, ये शास्त्रों के जो सुख हैं आप अपने घर में देख सकते हैं, आप अपने घर में अनुभव करना, जो घर का बड़ा बेटा है और माँ उसका नाम, जो उसका नाम है उसी को माँ बार बार लेकर पुकारती है, तो जो बड़का घर का बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सहन करना ही पड़ता है। तीसरे नंबर पर गुरु का नाम,
शिष्य गुरु के नाम का स्मरण अर्थात गुरु मंत्र का स्मरण करे। बार बार आप बोल सकते हो ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे गुरु जी हैं, सब वो अशोक नगर में रहते हैं, सब गुना में रहते हैं, सब शिवपुरी में रहते हैं, सब महा रहते हैं, आप कह सकते हो ये हमारे गुरु जी हैं, उस मठ में रहते हैं वो हमारे गुरु जी हैं, आदमी पहचान जाएगा। क्या नाम लेना गुरु का जरूरी है कि वो कमलकांत जी, वो रामकिशोर जी, ये हमारे नाम, गुरु का नाम अगर तुमने गुरु मंत्र लिया है, आप गुरु दीक्षा ग्रहण करे हो तो गुरु के नाम का स्मरण भी गुरु मंत्र का स्मरण करो, पर गुरु का नाम बार बार अपनी जिभ्या से नहीं कि मेरा गुरु ये नाम है, उनका ये नाम है, मेरे ये नाम है, ये नाम है, हरि कृष्ण नाम है तो जय नारायण नाम है तो रामकृष्ण नाम है, नहीं नहीं नहीं, वो मेरे गुरु हैं, बस गुरु पद मूल है, गुरुपद की मूल। पार्वती जी ने पूछा कौन, मेरे स्वामी, हाँ मेरे स्वामी भोजन कर रहे हैं, हाँ। जैसे सुना पार्वती जी ने, और सुनकर माता पार्वती तुरंत कहती, आप चिंता मत करो राघव जी, मैं अभी आती हूँ। और पार्वती मैया ने नाक में बड़ी सी नथनी पहनी, सुंदर मोती की लड़ लगी है, कानों में झुमका पड़ा है मेरी माता के, सिर पर लाल बिंदी बड़ी सारी, होठों पर लाली, नैनों में सुरमा, मस्तक पर गजरा, और माता के हाथों में सुंदर मेहंदी लगी हुई है, पांव में महाबूर लगा हुआ है, मेरी माँ सुंदर टोकनी लेकर सामने खड़ी हो गई, और भोलेनाथ तो खाने में लगे थे, उनका ध्यान गया नहीं कि मेरे सामने कौन खड़ा है, और उन्होंने एक बड़ा सा लड्डू निकालकर चूरमे का शंकर जी की पत्तल में रख दिया। शिव जी ने जो लड्डू खाया, खाते से शंकर जी को लगा ये तो कोई पहचान वाला है, देखा तक नहीं कि कौन ने परोसा, उतनी देर में पहचान लिया। बहुत चतुर होती है माताएं, कथा में भी बैठी रहती है ना, एक जरा सा गाड़ी का हारन बजता ना, उत्ते में पहचान जाती है भेरू आ गया तुरंत, गाड़ी का हारन बजा, हारन से पहचान गए। सबसे ज्यादा दिक्कत पहले की रामलीलाओं में बहुत आती थी, रामलीलाओं में पति भी जाता था, पत्नी भी जाती थी, और रामलीला होती थी रात की, अब पत्नी को टेंशन रहता था, दिख नहीं दिया, अब इसको अपना पति नहीं लिखे तो एक पर्ची लिख के भेज दे मंच पे। कालू सिंह, तुम्हारी माता जी की तबीयत ज्यादा खराब है, तुमको घर पे बुला रहा है, अब इसको दिख नहीं रहा था बहुत देर से, तो इसने पर्ची भेज दी, पर्ची भेजी और मंच पे रामलीला वाले में एक माइक पकड़ के बैठता है जैसे हमारा आशीष मूछ वाला, ऐसे वो चिल्ला और उसने आवाज लगाई कि कालू सिंह तुम्हारे घर पे तुम्हारी माता जी की तबीयत खराब है। इतनी देर में कालू सिंह उठा और इसने देख लिया, तो इसने दूसरी पर्ची भेज दी, माछी हो गई है, दूसरी पर्ची बैठे तो दिख नहीं रहा, उतनी देर में तो दिख गए। अब पार्वती मैया ने चूरमे का लड्डू बड़ा सारा शिव जी के सामने रखा, शंकर जी ने लड्डू खाया और खाते से ही पहचान गए कि बाबा ये तो पहचान वाला लगता है, तो भोलेनाथ तुरंत लड्डू मुंह में भरा और भरते से जो सामने देखा, क्योंकि शिव जी खाते गए किसी को नहीं देखा कि सीता आई की उर्मिला आई की मांडवी आई की सुकृति आई की कैकेयी आई कौशल्या आई, किसी को नहीं देखा, पर जो मुंह में लड्डू लेकर जो पार्वती जी को देखा, देखते से ही पार्वती जी बोली कितने दूं, शंकर जी बोले हो गया एक में हो गया। पतियों की आदत है, अकेले अगर पार्टी में गए हैं तो कम से कम दो ढाई घंटा सूरमा जैसे घूमेंगे, और अगर इनके साथ में जगत जननी गई है फिर देखना, थोड़ी देर खाना खाने के बाद बोलेंगे चले चले चले। अब पत्नी कह रही है रुको तुमने तो खा लिया,
हमेशा तो 2 घंटे 3 घंटे में आते थे, आज मेरे साथ आयो तो इतनी जल्दी। पति बोलेगा तेरे चक्कर में तो जल्दी में हूं, कोई आ गया और सेल्फी लेने लगा तो आप हाथ खड़ी कर दे, तू चले तू चले तू चले। अब बड़ी उड़ी शिवजी के सामने माता पार्वती बोली कितने लड्डू और रखूं, शंकर भगवान बोले एक में हो गया। पार्वती पर एक बात बता, तू यहां कैसे आ गया? पार्वती जी बोली तुम मेरे स्वामी हो, आदि शक्ति हूं मैं, मुझे जो आमंत्रित करता है मैं जाती हूं। राम जी ने मुझे बुलाया था, आप उठ नहीं रहे थे इसलिए। शिव जी ने कहा आपने मुझे अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया, श्राद्ध में अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया है, बुलाओ राम सीता को। राम सीता आए, शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो सीता सुनो जानकी मां, श्राद्ध पक्ष में जिसके घर में भोजन बनता है पूरे 16 दिन में से अगर एक दिन भी कोई श्राद्ध का भोजन किसी के घर में बनेगा वर्ष भर उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं आएगी, ये मेरा वर है। सोलह दिन आप किसी का श्राद्ध नहीं कर सकते तो किसी एक का श्राद्ध, कोई दादा गया हो परदादा गया हो कोई पूर्वज गया हो उसके निमित्त का भोजन घर में बनना चाहिए। और किसी विद्वान ब्राह्मण जो गायत्री करता हो संध्या करता हो भजन करता हो कीर्तन करता हो मंत्र जाप करता हो किसी में कोई ए बना देखता हो कोई निंदा नहीं करता हो ऐसे ब्राह्मण जन को भोजन करा देना चाहिए, वो जीव भी तर जाए और अपने को भी आनंद की अनुभूति हो जाए। ऐसी चीज की महाराज धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। भगवान शिव की कथा कर रहे भाव से आनंद से अपनी जगह बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। तर्पण शिव महापुराण की कथा में जितनी बार भी शिव के मूल मंत्र का स्मरण हो हृदय से करें और बाबा से निवेदन करें। सभी लोग अपनी जगह का आनंद लेते हुए श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला,
शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कहता है। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा करना। ये चारों ने अपने अपने कर्म के अनुसार अपने आनंद को बांटा। चारों पर देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म से वंचित था, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, बहुत अच्छा जीवन जी रहा था। और अच्छा जीवन जीते 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 एक नारी का संग पकड़ लिया इसने, एक नारी का संग। देखिए पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी मेरे परमात्मा की है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी मेरे परमात्मा की नहीं है। क्या भरेगा वो तुम्हारा पेट भरेगा? पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की, वो तो कहता है तेरा जन्म नहीं हुआ और माता के स्तनों में मैंने दूध दिया तेरा भरण पोषण के लिए, और मरेगा तो भी चिंता मत करना, आखिरी में भी अगर परिवार वाले अग्नि देने नहीं आएंगे, कफन देने नहीं आएंगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं स्वयं अगर जन्म दिया है तो मृत्यु भी मैं दूंगा, माता के स्तनों में दूध दिया है तो कफन और अग्नि भी मैं दूंगा, तू चिंता करना छोड़, तो क्यों टेंशन ले। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अगर जन्म मैंने दिया तो मृत्यु में, जब सारी दुनिया से हार जाओ, सारी दुनिया के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर थक जाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है फिर अंतिम बिंदु है मेरा शिव, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, उसके चरणों में जाओ। हम आपसे भी कहें, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, जितने अशोक नगर के पावन मंदिर प्रांगण में इस पावन कथा को सुन रहे हो, हृदय से दिल से जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर बाबा से विनय कर जाना कि बाबा मेरे मन की अभिलाषा है, मैंने सुना है कि तू 3 महीने में पूरी कर देता है, मैं भी कथा सुनकर जाऊं और अगली कथा में मेरा भी एक पत्र पहुंचे, ऐसी कृपा कर देना और मेरा कार्य सफल। सुनता है अवश्य। जितने लोग इस कथा में आए हुए हैं उनसे कहूंगा आप लोग ऐसे ही कथा में नहीं पहुंच जाते, ये मेरा विश्वास है। एक लोटा जल जब से कथा सुन रहे होगे तब से चलाया होगा, कहीं ना कहीं मेरे शंकर भगवान ने आपका थोड़ा ना थोड़ा काम जरूर करा होगा, तब तुम पंडाल में पहुंचे। ऐसे नहीं पहुंच जाते, लाखों की संख्या में इतने पंडाल भर के बैठे हो, 1, 2, 3, 4 कहां कहां पूरे के पूरे इतने भर भर के बैठे हो, लोग पीछे खड़े हुए हैं, तो ये भक्ति तुम्हारी कोई साधारण नहीं है, सहज नहीं है तुम्हारी, केवल विश्वास भरोसा। देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म से वंचित थे, देवराज अपने लिए कमाता भगवान देता, देवराज अपने अपने बच्चों के लिए कमाता भगवान देता, देवराज अपनी पत्नी के लिए कमाता भगवान देता,
देवराज अपने माता पिता के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने भाई भाभी के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपनी बहनों के लिए कमाता, भगवान देता। आपके परिवार का भरण पोषण मेरा देवाधिदेव महादेव करेगा, मना नहीं है। पर देवराज जब अपने परिवार का छोड़कर किसी स्त्री के चक्कर में फंस गया, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी नारी के चक्कर में फंस गया, उस नारी ने कहा कि मेरे लिए सुंदर रानी, जिस जो रानी हार पहनती है उसके गले का हार ला कर दो। और देवराज जब उस चक्कर में फंसता चले गया, चोरी करने लगा। अभी तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, बच्चों का, पत्नी का, कुटुंब का भरण पोषण करने की जवाबदारी मेरे भगवान की है। पर व्यक्ति चोरी कब करता है? जब अलग पैसा उसको लगने लगता है, कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं व्यसन में। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया सबसे। भोले बाबा को धन्यवाद देना, मेरे को कौन जानता था, कौन पहचानता था क्या मेरा जीवन था, वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया सबसे। शिव भक्ति, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का गुणगान तुम दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से मांगो तो देगा। हृदय से देवराज पत्नी के लिए कमाता, शिव देते। बच्चों के लिए कमाता, शिव देते। परिवार, भाई, बंधु, कुटुंब के लिए कमाता, शिव देते। संसार के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए कमाता, शिव देते। पर जब व्यक्ति व्यसन में, गलत चीज में डूबने लगता है, गलत मार्ग में जाने लगता है, तो भगवान धन से हाथ खींचना चालू करते हैं, फिर जीवन बेकार हो जाता है। फिर वह जीवन बेकार, देगा वो, जन्म दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी उसी की है। पर आप अपने परिवार में और परमार्थ का काम सत्कर्म करते रहिए, देने में कमी नहीं आई। जिस कुएं में पानी भरा ही रहता है, वो कुएं में एक दिन बदबू आने लगती है। जिस कुएं से पानी निकलता रहता है, उसमें दूसरा पानी आता रहता है। धन संपदा भगवान दे तो उसको सत्कर्म में लगाने का प्रयास करो, आता रहे, कमी नहीं पड़े। सत्कर्म की ओर बचिए। फिर कहेंगे धन होगा जेब में, अगर मोबाइल है, गले में चेन पड़ी है, तुम्हारे पास में धन रखा हुआ है, धन होगा तो चोर की दृष्टि जरूर होगी। सुंदरता यदि आपकी है तो लुच्चों की दृष्टि
जरूर होगी, और यदि भीतर शिव भरा है तो महादेव की दृष्टि जरूर होगी, ये निश्चित है, ये निश्चितता है आपके जीवन। जाने ना, देवराज ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ गया, शिव जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर पहुंच गया। शंकर भगवान की कथा चल रही थी, दो क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई, वो दो क्षण की कथा उसका कल्याण कर गई। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वो बैठा और शरीर से प्राण निकले, शिव धाम चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में कौए को भोजन दिया जाता है, बोलो देते कि नहीं देते, जम के बोलो जरा, देते हैं। गौ माता को भोजन दिया जाता है, स्वान को भोजन दिया जाता है, किसी भिक्षुक ब्राह्मण कोई भूखा कोई साधारण कोई व्यक्ति को भोजन दिया जाता है। क्यों? केवल श्राद्ध पक्ष, इसके पीछे साइंस का ये नहीं कि केवल ब्राह्मण अपनी मर्जी से इसको बोल दिया कि कौए को भोजन देना चाहिए, गौ माता को भोजन देना चाहिए, स्वान को भोजन देना चाहिए, विद्वत ब्राह्मण जन को भोजन देना चाहिए। केवल ब्राह्मण ने या हमारे शास्त्रों ने केवल किसी के पक्ष की बात नहीं लिखी, इसके पीछे साइंस का रीजन भी है। आप अंदाजा लगाइए, कौआ श्राद्ध पक्ष में जो भोजन करता है, कौआ श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा मीठे का भोजन करता है तो कौआ श्राद्ध के भोजन को खाने के बाद, मीठे भोजन को खाने के बाद पीपल के वृक्ष पर बैठता है, पीपल के वृक्ष के फल को कौआ खाता है, पीपल के वृक्ष का जो फल है वो कौए के पेट में जाता है। कौए के पेट में जब पीपल के वृक्ष का फल जाता है और उसने कुछ मीठा खाया होता है तो अंदर जाकर एक प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है जिससे एक वृक्ष का निर्माण होता है। ये पीपल का वृक्ष कहीं से उगता नहीं है, कौआ उड़कर पीपल के फल को खाने के बाद, श्राद्ध का मीठा भोजन खाने के बाद उदर में एक प्रतिक्रिया से एक बीज उत्पन्न हो जाता है। कौआ पेड़ पर बैठे, कौआ दीवाल पर बैठे, कौआ रेत पर बैठे, कौआ जहां जाकर बैठे और वो विष्ठा करता है, गंदगी करता है, तो उसके अंदर जो खीर मीठे का भोजन और पीपल का जो फल खाया था उसका भाग उसके पेट के अंदर जो बीज उत्पन्न करता है वो जहां जाकर गंदगी करता है, विष्ठा करता है, वहीं पर पीपल का पेड़ उगना प्रारंभ हो जाता है। पीपल के वृक्ष का निर्माण कौआ कर देता है। साइंस का रीजन है कि कौए को भोजन क्यों कराना चाहिए। आप ऐसे मत कराओ तो ऐसे तो कराओ कि कौए को निवाला देना चाहिए, काग्रास देना चाहिए, कौए को भोजन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौआ जितना खीर ग्रहण करेगा, जितना खीर का भाग उसके उदर में जाएगा तो उसको ठंडक चाहिएगी, ठंडक चाहिएगी तो पेड़ पर जाएगा, पेड़ पर जाएगा तो पीपल के पेड़ पर बैठेगा, उसका फल भोजन को पचाने के लिए खाएगा, खाएगा तो विष्ठा करेगा और विष्ठा करेगा तो पीपल का पेड़ जन्म लेगा। आप अगर वृक्ष नहीं लगा सकते तो आपने जो खीर खिलाई है उस खीर से भी पीपल के वृक्ष का निर्माण हो जाता है, प्रकृति का सुंदरता बन जाता है। इसके पीछे तो साइंस, आप ना खिलाए इस भाव से तो खिला सकते। महाराज कितना सुंदर लिखा है, शिव महापुराण के अंतर्गत आता है, स्वप्न में चार जगह पर अगर पितृ घर के पूर्वज दिख रहे हैं तो उसका फल क्या होता है। तर्पण शिव महापुराण की कथा में अच्छे से सुनिए, मेरी माताओं से भी निवेदन और मेरे भाइयों से भी निवेदन, आपके घर के पूर्वज जो मर चुके हैं आपके सपने में अगर चार जगह पर नजर आ रहे हैं तो उसका फल देखिए। पहला, अगर आप सोए हो और आपके पितृ आपके पूर्वज जो मर चुके हैं वो आपके सिर के पास खड़े हुए दिख रहे हैं तो डरना मती, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि आज मेरे पितृ मेरे सिर के पास मेरे पूर्वज खड़े हुए हैं। कारण जब सिर के पास स्वप्न में मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, जो मर चुका है, जो पितरों में चला गया, जो बहुत साल हो गए,
गए हुए और वो हमारे सिर के पास खड़े हुए स्वप्न में दिख रहे हैं, तो समझ लेना कोई खुशखबरी घर में बहुत अच्छी आने वाली है। दूसरा, वही पितृ, वही पूर्वज जो मरे हुए हैं, जो चले गए हैं, वो हमारे पांव के पास अगर नजर आ रहे हैं तो समझो कि घर में कोई तकलीफ आने वाली, उसका स्मरण। तीसरा, यदि थोड़ी सी देर के लिए हमारे पितृ या हमारे पूर्वज जो मरे गए हैं वो हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखे और अचानक उज्जवल हो गए, समझ लेना कि कोई क्षण भर की समस्या हमारे सामने आएगी, उससे हमें घबराना नहीं है। और चौथा, किसी पेड़ पर या घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर या किसी वृक्ष पर हमारे पूर्वजों को हमने स्वप्न में देखा है तो समझ लेना कि हमारी उन्नति की सीढ़ी बढ़ने वाली है, कोई अच्छा काम हमारी ओर। अब कई लोग कहते हैं हमारे को पितृ दिख रहे हैं, हमारे मरे हुए दादाजी दादी जी वो मर गए तो हमको दिख रहे हैं, गुरु जी कैसा होता है? महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, आप ध्यान तो दो कि पूर्वज पितृ कभी बुरे नहीं होते, कभी बुरे नहीं। उनका काम केवल देने का है। मृत्यु लोक, चंद्रलोक, चंद्रलोक के ऊपर है पितृलोक। पितृलोक कहां पर है? चंद्रलोक के ऊपर। पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म है क्या? जब कोई मर जाता है, इसको दूसरे शरीर में भेजा जाता है जीवात्मा को, उस जगह पर पितृ क्या करते हैं? पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म क्या है? भगवान विष्णु का काम है, ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, शिव जी ने समय समय पर इसका वर्णन कर संहार किया। पितरों का कर्म क्या है? पितरों का सबसे बड़ा कर्म है जिस समय पर ये जीव आत्मा दूसरे शरीर में दी जाती है उस समय पर पितृ खड़े होकर अपने कुल के उस जीव का निर्माण करवाते हैं और उसको शरीर दिलवाते हैं। अगर कोई हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, शरीर से कोई विकलांग अगर जन्म लेता है, माता के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लिया, उसका पांव ठीक नहीं है, उसका हाथ ठीक नहीं है, उसका कान ठीक नहीं, चेहरा ठीक नहीं, आंख ठीक नहीं, मुंह ठीक नहीं, तो ये कोई दूसरा नहीं करता, ये हमारे पितृ करते हैं। जब वो निर्माण करवाते हैं तो देखते हैं कि पूर्व समय में इसने क्या कर्म करा है तो इसको शरीर कैसा मिलना चाहिए, शरीर का स्मरण कैसा मिलना चाहिए। एक जरा सी गलती गांधारी से हो गई थी और वो गांधारी को भोगना पड़ा था, छोटी सी गलती। पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर, पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर नारी थी, बहुत सुंदर, उसकी सुंदरता का बखान जगह जगह पर चलता था। अब एक हाकिम ने आकर कह दिया, महारानी जी आपके लिए एक औषधि बनाना चाहता हूं, ऐसी औषधि जिसको तुम तुम्हारे चेहरे पर लगा लोगी तुम जिंदगी में कभी बूढ़ी नहीं होगी, तुम सुंदर बनी रहोगी महारानी जी, कहो तो औषधि बना दूं। हाकिम के कहने पर राजकुमारी ने कह दिया औषधि बनाओ, पर हाकिम ने कहा औषधि तो बना दूंगा पर इसमें थोड़ी सी हिंसा होगी। आप समझ सकती हैं, महारानी ने कहा कैसी हिंसा, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम तो भले हिंसा हो पर दवाई बनाओ, औषधि बनाओ। गांधारी पूर्व समय की जो रानी थी उसने हाकिम से कहकर औषधि बनाई। क्या चाहिए औषधि बनाने के लिए? तो कहा 100 केचुए चाहिए। 100 केचुए? हाँ, इन केचुओं का क्या करोगे?
उसको पीस कर दवाई उसी में मिला कर दूंगा जिसको आप अपने चेहरे पर लगाना, आप कभी बूढ़ी नहीं दिखोगी। राजकुमारी ने कहा सो केचुए लाए जाएं और दे दिए जाएं। सो केचुओं को लाकर हाकिम ने राजकुमारी से पिसवाया और उसमें दवाई मिलाकर राजकुमारी को दी। राजकुमारी ने चेहरे पर लगाया, भले बूढ़ी नहीं हुई पर अगला जन्म जब गांधारी का पाया, आंखों पर पट्टी बंधी है, पुत्र मर चुके हैं। गांधारी कृष्ण से कह रही है मुझे अपने बेटों का एक बार दर्शन करा दे, मैंने अपने बेटों को नहीं देखा, मैंने सुना है मेरे सारे के सारे बेटे मर गए, तू एक बार मिला दे। गांधारी को पकड़कर भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में ले जाकर खड़ा कर दिया। गांधारी से कहा पट्टी खोलो आंखों की। गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली तो सामने एक बोर का बेर का पेड़ दिखा, एक बेर का पौधा, एक बोर का जो बेर हम खाते हैं उसका पौधा नजर आ गया। और पौधा दिखते से ही तुरंत गांधारी ने बेर तोड़ना चाहे पर बेर तो ऊंचे लगे थे। गांधारी ने एक शव को उठाया, दूसरे शव को उठाया, तीसरे शव को उठाया, शवों का ढेर लगाया। गांधारी उस पर चढ़ गई और बेर तोड़कर खाने लगी। खाने के बाद गांधारी को याद आया कि मुझे तो अपने बेटों से मिलना जो मर गए। कृष्ण से कहा काना मेरे बेटे कहाँ हैं? कृष्ण कहते हैं गांधारी काकी जो आपके पांव के नीचे मसले जा रहे हैं ये आपके बेटे ही हैं। गांधारी कहती है मेरे बेटों की ये दशा कैसे हो गई? मैंने कोई पाप नहीं करा, मैंने कभी कोई गलत कर्म नहीं करा, फिर ये दशा हुई कैसे है? भगवान कृष्ण ने कहा गांधारी काकी पूर्व समय में तुमने 100 केचुओं को मलवाया था, वो 100 केचुए आज आपके सामने मले हुए पड़े हैं। जैसा दूसरे के साथ करोगे वैसा भोगने के लिए तैयार हो। इसलिए हमेशा याद रखो मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं अपने घर के दरवाजे पर लिख दो तेरा क्या होगा रे कालिया। एक समय तो जवाब देना ही पड़ेगा, अंत बिंदु। ऊपर जाकर भी रोगे ना तो कहोगे मैंने बच्चों के लिए करा था, मैंने पत्नी के लिए करा था, परिवार के लिए करा था। भगवान भी कहेगा झूठ तूने बोला, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, इसलिए भोगना भी तुझे ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए मेरी माताओं से निवेदन है हफ्ते में एक बार अपने पति से कह दिया करो कि मंदिर जाया करो, हफ्ते में एक बार अपने पति से कहा करो कि शिव महापुराण में जाया करो, हफ्ते में एक बार अपने पति से कहो कि भगवान की शरणागति जाओ। क्यों? कमाया पत्नी के लिए, कमाया बच्चों के लिए, दुकान पर बैठकर झूठ बोला बच्चों के लिए, अच्छी एजुकेशन देना है, अच्छा पढ़ाना है, पत्नी के लिए सामान लाना है, गाड़ी करना है, ये करना वो करना, कमाया पत्नी और बच्चों के लिए, परिवार और कुटुंब के लिए। पर पत्नी भोगेगी क्या? अरे जम के बोलो नहीं, तुम तो बढ़िया खजूर वाली चोटी बना के दे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं। बच्चे भोगेंगे क्या? नहीं, क्योंकि बच्चे कभी अपने पापा से नहीं कहते पिताजी तुम मेरी पढ़ाई के लिए चोरी कर कर लाना, ये कोई बेटा कभी अपने बाप से नहीं कहता।
तुम मेरे लिए अच्छा खूब धन इकट्ठा करो, चोरी करो, बेईमानी करो, ये बेटी भी कभी नहीं बोलती अपने पापा से, ना पत्नी बोलती है कि तुम मेरे लिए चोरी कर कर लाओ। ये हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो भोगना भी तो अपने हिसाब से ही पड़ेगा, तो दूसरा थोड़ी ना भोगने वाला। कबीरदास जी ने लिख दिया, गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। कर्म हमें भोगना। एक होती है पत्नी, दूसरी होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण की कथा तक लेकर आ जाती है, वो धर्म। धर्म के पथ पर जो लेकर जा रहा हो, धर्म के मार्ग पर जो लेकर जा रहा हो, और ये तुम्हें करना पड़ेगा। स्वामी सुनो क्या हो रहा है, मेरे कमर में दर्द है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, वहीं पे आचमन कर आ गया, वहीं से एक बेलपत्री खाया है, क्या होगा बेलपत्री खाने से? अरे तो खाने में अपना क्या जा रहा है, खाओ तो क्या दिक्कत। बेलपत्री खाने में सोचते हैं इससे होगा क्या, चाउमीन खाने में कभी नहीं पूछा इससे होगा क्या। आड़ा टेढ़ा सामान खा गया, मानी पूछे ठेले पे पानी बतासा खा लिया, और पानी बतासे को हो रही खुजली, और वो यूं खुजाए रुक जाए, और प्लेट पकड़ा दी हाथ में, हाथ भी नहीं धोए, और फुल्की को फोड़ा, और पति पत्नी दोनों कह रहे कितना स्वाद है पानी में, ऐसा तो घर में नहीं आता। अब उनको क्या मालूम है एक्स्ट्रा सामान घर में नहीं डलता, उनके कौन समझा ये सारा एक्स्ट्रा सामान बाहर डलता, घर में तो अच्छा बनता है, इसीलिए तुमको स्वाद नहीं आता, तुम्हारी आदत पड़ गई एक्स्ट्रा सामान की। और कह रहे बहुत अच्छा पानी पतासा, बहुत जोरदार पानी पूरी थी, थोड़ा पानी और पिला दो। तो उसने कहा पूरा ही पी जाते हैं, तो अरे क्या होगा बेलपत्री खाने से, क्या होगा शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या होगा शिव महापुराण की कथा सुनने से, ये विश्वास कहता है। जितने लोग यहां बैठकर सुन रहे हो, और जितने आस्था चैनल और फेसबुक पर सुन रहे हो, दिल से सुनना, 3 महीने बाद मिलकर बताएंगे कि होता क्या है। शिव महापुराण की कथा मात्र श्रवण करने से मिलेगा क्या, आप दिल से सुनो, उसको कहकर सुनो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे दिल से कहकर उससे स्मरण कर सुनो। महाराज देवराज नाम का ब्राह्मण अंत में गया, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे चला गया। सोच में पड़ गया, मेरे जैसा पापी दुनिया में नहीं होगा, पर मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया। मालूम पड़ा इसकी माता एक लोटा जल शिव जी को जल चढ़ाती थी, और ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा है। सनातन हिंदू धर्म में आज भी नियम है, मुर्दे को जब अर्थी पर बांध कर ले जाते हैं, तो शमशान के पहले थोड़ा उसको नीचे उतार देते हैं। बोलो रे सही है कि गलत है, थोड़ा रोक देते हैं, विश्राम देते हैं मुर्दे को, अर्थी को। बच्चों ने पूछा यहां अर्थी को क्यों रोका, यहां मुर्दे को क्यों उतारा, तो कहा यहां विश्राम देना पड़ता। बच्चों को यह नहीं बताया कि मुर्दे को विश्राम क्यों दिया जाता, बच्चों को यह नहीं बताया कि अर्थी को क्यों उतारा जाता है, क्योंकि हमने शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा था, तो उसको कैलाश धाम मिल गया था। शमशान ले जाने से पहले मुर्दे को एक पेड़ के नीचे इसलिए रोका जाता है, वो पेड़ किसी और का नहीं होता, वो वृक्ष बेलपत्री का होना चाहिए, जिसके नीचे मुर्दे को रखा जाए तो इसको कैलाश धाम मिल जाएगा। कितना भी पापी हो, बस हमने बच्चों से कह दिया विश्राम दे दे मुर्दे को रोकते, पर ये नहीं कहा कि विश्राम कहां देना है।
किस जगह पर देना है। जिंदगी में एक अच्छा काम जरूर करना, कुछ करा कि नहीं करा पर एक काम अच्छा करना, जहां से मुर्दे शमशान के लिए जाते हो, जहां से मुर्दे शमशान के लिए जाते हैं, हम शमशान में नहीं करें क्योंकि शमशान में मुर्दे सब दूर घूमते नहीं है, पर रोड से तो जाते हैं। जिस रोड से शमशान का जो मार्ग है, उस शमशान के मार्ग में बन सके तो जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाना, जिससे कोई मुर्दा भी निकल कर जाए तो वो तर जाए। एक बेलपत्री का वृक्ष, और वृक्ष ऐसे मत लगाना जैसे आज के लोग लगाते हैं, वृक्षारोपण करना है। 14 दिन तक वृक्ष रहता है, इसके बाद रोपण ही रोपण रहता है, वृक्ष गायब हो जाता है। इतने इतने से पौधे लाए, पांच पांच पचास पचास रुपया के वो लगाए, मालूम पड़े कोई ने पानी दिया नहीं दिया और सारे वृक्ष चले गए। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए, वृक्षारोपण ऐसा करना, वृक्षारोपण करने से पहले सुन लो, बेलपत्री के पौधे को घर में लेकर आओ, उसको पालो, बड़ा करो, बड़ा कर कर फिर उसका जब पौधा तुम्हारी हाइट जितना हो जाए, तुम्हारे रूप जितना हो जाए 5-6 फीट का, तब उसको शंकर जी के मंदिर में लेकर जाओ, उस बेलपत्री से शिव जी का स्मरण कराओ, उन दोनों की पूजन करो, फिर उस बेलपत्री के पौधे को जब बड़ा हो गया, पाल पोस के तुमने बड़ा कर लिया, बच्चे की तरह बेटी की तरह, फिर उसका कन्यादान जैसे करते हैं, ऐसा ले जाकर उस वृक्ष को कहीं अच्छी जगह पर लगा दो, इसको वृक्षारोपण कहते हैं। ये नहीं कि इतना सा लाके लगा दिया और उसको बकरी खा गई। आज लगाया कल गायब हो गया, पूछा क्यों रे, कल यहां पेड़ लगाया था कहां गया, तो क्या बकरी चराने वाला आया था, तो पेड़ ले गया हूं बकरी खा गई, पेड़ गायब हो गया। नहीं, एक वृक्ष को लगाओ और उसको पाल पोस कर बड़ा कर कर लगाओ, बेलपत्री का एक वृक्ष एक पत्ता बेलपत्री का बहुत बल रखता है। ध्यान दीजिएगा, जिसको लग रहा है कि मेरे घर में किसी ने बंधन है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा विकास नहीं हो रहा, मेरी उन्नति की ओर नहीं बढ़ पा रहा, सारे उपाय कर लिए और मैं उन्नति की ओर नहीं बढ़ रहा, तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं, जितने दिन निकल गए निकल जाने दो, जितने दिन बचे हैं एक छोटी सी कटोरी में गंगा जल, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और थोड़ा सा वही जल बचाकर शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। ये 16 दिन निकलेंगे, आपको खुद नवरात्रि में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा कि नहीं करा। थोड़े से जल में गंगा जल मिलाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डालिए, और थोड़ा सा जल देवाधिदेव महादेव को, उसी कटोरी का जल, ये उसी पात्र का जल, उसी कलश का जल, चाहे तो आप कटोरी में ले जाओ, चाहे तो आप गिलास में ले जाओ, चाहे तो आप तांबे के पात्र में ले जाओ, चाहे तो आप कलश में भर कर ले जाओ, या रोज जल चढ़ाने जाती है उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के ले जाओ। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा दिया, उसी जल को ले जाकर थोड़ा सा बचा हुआ शिव जी को चढ़ा दिया, बाबा से विनती कर ली, बाबा हमारी उन्नति नहीं हो रही, बड़े दुखी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत कष्ट में हैं, बाबा संभालना। अभी जितने दिन बचे उतने दिन तो चढ़ाओ, उतने दिन तो समर्पित करो, समय आया। देवराज के बाद में कथा आती है, बिंदुग नाम का ब्राह्मण, इसने भी गलत कर्म करा और दीवाल से कूद गया, पानी में जाकर डूब गया। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, इनकी मुक्ति नहीं होती कभी भी। सुन लो अशोक नगर वालों, ध्यान से, मरने का भी प्लान बनाओ तो पानी में डूब के कभी मत मरना। किसी किसी को मन में आता है कि मैं सुसाइड करूं, तो निवेदन है कि थोड़ा चेंज करो, ओल्ड फैशन कुएं में डूब के मरना, पानी में डूब के मरना, कुछ न्यू फैशन लेकर, हमें नहीं मरना पानी में डूब कर। न्यू फैशन कैसा, बस अब तो जैसी जिंदगी मिली है इसी को निभाऊंगी, भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करूंगी और उसका भजन करते करते मर जाऊंगी, पर पानी में डूब के नहीं मरना। क्यों मरना पानी में डूब के, बिंदु पानी में डूबकर मर गया तो प्रेतियों में पड़ गया। चंचुला देवी ने कथा श्रवण करने का मन में विचार करा,
भगवान देव अधिदेव महादेव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ कृपा करिए, हे शंभु करुणा करिए। तब देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती के साथ ईसर जी और गोरा जी बनकर पहुंच कर शिव महापुराण की कथा का रस स्वादन किया। बड़े आनंद के साथ तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही है।